आदरणीय सुशील जी बंसल जी, प्रिंसिपल गणेश जालेखा, डॉक्टर सेतिया, मिसेस सेतिया, मंच पर डॉक्टर सुशील, मंच पर बैठे हुए अन्य आदरणीय विद्वज्जन, रिस्पेक्टेड टीचर्स, कुछ मुझे गांव से आई हुई महिलाएं भी दिख रही हैं और प्यारे बच्चों, आज का जो ये प्रोग्राम मैंने देखा और जैसा कि अभी सुशील जी ने बताया और मैं भी यही सोच रही थी कि किसी भी स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम मैंने आज तक नहीं सुना है ना ही देखा। गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, और बहुत बार हम जैसे कोई रामायण से रिलेटेड, अभी पीछे कुछ दिनों में मेरा ऐसा ही था कि रामायण, पुरानी रामायण को फिर से देखा जाए जो टीवी पर आती थी, यूट्यूब पर मैंने डाला, रामायण आई, कई तरह की आई, पर उन रामायण में कोई भी रामायण स्कूल के बच्चों की नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कहीं पर भी इस तरह का कभी कोई जो है नहीं हुआ है किसी भी स्कूल में, और अपने आप में मुझे ये पहल लग रही है, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं है, ये मुझे ऑल ओवर इंडिया मुझे लग रहा है कि अपने आप में एक पहल। और मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ सर से कि इसको आप आगे भी इसी तरह से बनाए रखें, और आपके इसको देखकर बहुत से स्कूल जो है गवर्नमेंट की ओर से लेटर्स आते हैं, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिलती है? लेटर आ जाता, इस तरह के प्रोग्राम करवाइएगा, लेकिन उन प्रोग्राम्स को सभी नहीं करवा सकते हैं। कहीं से कोई प्रेरणा मिलती है, कहीं कोई एग्जाम्पल सेट होता है जिसको देखकर लोग फॉलो करते हैं। तो आपका जो ये प्रोग्राम है, ये पूरे हमारे समाज में, हमारे हरियाणा में या हमारे भारत देश में ये एक उदाहरण होगा सबके लिए कि हाँ, उस स्कूल ने ऐसा किया था तो हम भी कर सकते हैं। तो आप सबके लिए एक मोटिवेशनल फोर्स भी रहेंगे, उत्साह भी आपके इस कार्य से सबको मिलेगा। और जहाँ तक बात है रामायण के मंचन की, रामायण का मंचन बहुत अधिक आवश्यक है। मैं जब छोटी थी मुझे याद था कि शाम के समय रामायण होती थी और हम रामायण देखने जाते थे, लेकिन समय बीतता गया और सामाजिक जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो पूर्णतया परिवर्तित होती गई और एक ऐसा समाज हो गया जिसके अंदर सिर्फ एक हमारे पास फोन रह जाता है, फोन के अंदर कुछ हमारी एप्स होती हैं और उन्हीं एप्स के माध्यम से हम जो है अपना जो है काम करते हैं। उनमें जो मटेरियल हमें मिलता है, छोटे से छोटे बच्चे को भी फोन की लगी कि स्मार्टफोन हमारे पास हो, उसको ऑपरेट करें। शाम के समय की कोई हमारी सामाजिक ऐसी गतिविधि नहीं होती, और समाज को प्रोत्साहित करने की, समाज में अच्छे संस्कारों को विकसित करने की तो बिल्कुल ही नहीं होती है। लेकिन जो ये परंपरा हमारी समाप्त हुई कि जिसके अंदर हमारे इस तरह के प्रोग्राम समाप्त होते गए, उतना ही समाज के अंदर जो है जो युवा वर्ग खासतौर से है, उसके अंदर जो है मूल्यों का बहुत अभाव रहा, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनका बहुत अभाव हुआ, और उसी तरह से समाज भी जो है नैतिकता के पतन की ओर शुरू हो चुका है। लेकिन जो ये शुरुआत करने की है, सच में आपने बहुत ही अद्वितीय कार्य किया है। इस कार्य से एक बार फिर से जो है हमारे समाज की दिशा जो नीचे जा रही थी ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि आप सब हमारे भारत का भविष्य बैठे हैं। आपने ही भारत का निर्माण करना है, हमारी पीढ़ी तो जाने वाली है, लेकिन आपसे निर्माण होगा। आप में अच्छे संस्कार हैं, उन संस्कारों को लेकर जब आप बड़े होंगे और स्कूल में ही संस्कार बच्चों के बन जाते हैं, इन संस्कारों के साथ जब आप बड़े होंगे तो एक बहुत ही अच्छे और संस्कारित भारत का निर्माण होगा। जैसा कि राम राज्य में कहा जाता था कि वहाँ पर जो है कोई चोरी, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता था, और जैसा कि रघुकुल की तो परंपरा ही थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसका मतलब है कि उनके अपने शब्दों का महत्व था, जो कह दिया वही करेंगे, उससे हेराफेरी नहीं होगी। किसी भी घर में ताला नहीं लगता था, तो इसका मतलब कोई किसी की चीज पर पूरी दृष्टि नहीं
डालता था, कोई चोरी नहीं करता था। ये संस्कार जब हमारे अंदर होंगे कि हम उन शब्दों को कहें जो वो पूरा कर सके, जो किसी दूसरे को परेशानी ना दे और हमें किसी दूसरे की वस्तु पर नजर नहीं डालनी है, विषय कितनी अच्छी और हमारे पास ना हो, इस तरह की चीजों को जब हम अपने बड़ों की बातों का हमें मान रखना है। जैसे रामचंद्र जी खुशी खुशी जो है 14 साल के वनवास पर चले गए, उनको ना उस समय मन में कोई द्वेष था, ना बाद में रहा, सदैव खुश रहे और उनके जाने का जो ये कह लीजिएगा उन्होंने प्रयोजन को सिद्ध किया कि वन में वो जो विचरण करते रहे और जितने भी ये कह लीजिएगा कि जो देखते थे जो हमारे ऋषि थे उनको वो हवन और अपना जो है पूजा पाठ नहीं करने देते थे, उन सबको उन्होंने जो है ये कह लीजिएगा कि नैतिकता का पाठ पढ़ाया, नहीं पढ़ा नैतिकता का पाठ तो उन्होंने जो है उनको डरा कर और वो या तो मारे गए और या वो जो है गहन जंगलों में चले गए और समाज में एक अच्छे समाज की उन्होंने पूरे भारतवर्ष में स्थापना की। कहाँ अयोध्या, अयोध्या से चलकर वो देखो दक्षिण भारत की तरफ गए हैं, पूरे भारत को उन्होंने जो है विचरण किया 14 सालों में और एक शांति स्थापित की। इसी तरह से आप भी शांति के पथ पर और एक अच्छे आचरण के साथ समाज का निर्माण करें इन्हीं दुआओं के साथ और बंसल सर अपने इस कार्य को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। ज्यादा मैं और योगदान तो मैं नहीं दे पा रही हूँ, कभी आपको जरूरत हो सर और मैं समय निकाल पाऊँ ऐसे कार्यों के लिए तो मैं बहुत खुशी महसूस करूंगी, लेकिन अभी मैं छोटी सी राशि 2100 रुपये में देना चाहती हूँ। धन्यवाद।